हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है जी, बिना तेल के बस चिकन करी बनाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये टमाटर है, ठीक है जी, ये करीब 5 से 6 टमाटर है। ये जी लहसुन है, ये करीब कितनी 15-16 लहसुन के पीसेस हैं। ये निका जिया अदरक है, इसका हमको पेस्ट बनाने का है। भाई 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर लो, बना लो पेस्ट। तो लो दोस्तों भाई पेस्ट बनके तैयार है। तो जी नेक्स्ट पेस्ट बना रहे हैं जी हम इस प्याज का। एक करीब 3 प्याज है जी, बड़े बड़े साइज के, इसका भी हमको पेस्ट बनाने का है। तो लो दोस्तों भाई प्याज का पेस्ट भी बन चुका है, करते नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है जी, ये जी चिकन के लेग और थाई पीसेस है, करीब 1 किलो है जी। इस पर डालेंगे जी वो टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन की प्यूरी डालो सारी सारी, वो प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भर के, 1/2 चम्मच हल्दी यानी हल्दी, 4 लौंग, 5 इलाचियां, 2 बड़ी इलाचियां, 1.5 चम्मच जीरे का पाउडर, 2 टेबलस्पून भाई किचन किंग का मसाला। तो आप चाहो तो कि चिकन मसाला भी डाल सकते हो। नमक भाई स्वाद अनुसार, साबुत काली मिर्च करी 10-15 दाने, ज़्यादा नहीं। तो जी मुला मुलू लो चंगी तरह से। तो जी मैरिनेशन हो चुकी है, अब इसे करीब आप 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लो, मतलब कि फ्रीजर में रख लो, रेफ्रिजरेट नहीं फ्रीजर में। तो दोस्तों तो 2 घंटे हो गए जी, ठीक है जी, मैंने कढ़ाई लगा दी है। इसमें डाल रहा हूँ जी सारे का सारा ये चिकन, डालो सारा, डाल दो सारा, फैला दो इनको चापे चापे पे, सेट कर दो। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लो। अब आप क्या करेंगे, अब आप उबाल आने का वेट करेंगे, करछी चलाते रहना बीच बीच में। तो जी हल्की हल्की उबाल आ रही है ना, इसे ना करछी मारते रहो, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब फुल उबाल आने का वेट करो आप। तो जी फुल फ्लश्ड उबाल आ चुकी है, अब आपने हाई फ्लेम पे ही इसे 5 मिनट तक पकाते रहना है, ठीक है, इसी उबाल के साथ साथ करछी बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, ठीक है। तो जी 5 मिनट हो गया जी इसे पकते हुए जी हाई फ्लेम पे, मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, इस पे ढक्कन रख रहा हूँ, और करीब 20 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, अभी कोई पानी पूरी नहीं मिलाना इसमें। तो दोस्तों भाई 20 मिनट हो गए। अब मुद्दा है जो चिकन है वो गला है या नो गला है। ओ भाई गल गया, पूरा उड़ गया, गल गया जी, गल गया। तो करना क्या जी, अब करना कुछ नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे जी करीब 100 ग्राम दही, ठीक है, करछी चलाते रहिए और गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए जब तक उबाल आए। तो जी उबाल आ चुकी है, अब करना क्या है, अब डालते हैं जी हम आखिरी मसाला, विरासती मसाला भाई कसूरी मेथी, भाई डाल दो चंगी तरह से और मिला लो। लो जी बनके तैयार है, करते हैं पेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गया जी अपना भाई बिना तेल के चिकन करी, ऑयल फ्री। अब देखो यार भाई ऑयल को दे दिया हमने रेस्ट, मैं कहा भाई बड़ा काम कर लिया, आप तो रेस्ट कर ले भाई, बताओ दिख कैसा रहा है, मुझे बताओ लग कैसा रहा है, हाँ ग्रेवी कैसी लग रही है विदाउट एडिंग एनी वाटर। वाटर भी नहीं मिला इसमें, ऑयल भी नहीं मिला इसमें, वाह भाई वाह। और भाई साथ में क्या लिया जी, साथ में लिए जी निक्के निक्के नींबू दागी हैं, और ये निक्के निक्के खीरे, ठीक है जी। अमुद्दा क्या है, अमुद्दा ये है कि जो इसकी ग्रेवी है भाई वो टेस्ट में कैसी होगी। हाँ मेरे अपने प्यारे प्यारे हेल्थ कॉन्शियस भाइयों के लिए मैंने बनाया जी, और अपनी बहनों के लिए, हाँ अमुद्दा की टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि हेल्दी चीज़ें थोड़ी कभी कभी अनहेल्दी टेस्ट दे देती हैं। तो आओ भाई पहले देखो टेक्चर कैसा है। टेक्चर यार मैं क्या ही बताऊँ, मैं आपको फिलहाल तो गर्म है, हाँ तो आओ भाई थोड़ा और बनता है यार, थोड़ा और। मतलब कि ऐसा है कि खट्टा है, निहायत ही खट्टा खट्टा टेस्ट, ठीक है। और जो ये मसाले ना, मसाले मसालों का जो फ्लेवर है वो इतना खास नहीं है, बात को समझना मेरी आप, क्योंकि जो फ्लेवर होते हैं वो देते हैं खड़े मसाले जिनको हम तेल पे भूनते हैं, और तेल उनको चुन चुन के अरोमा बाहर निकालता है पका पका के। बट इसमें वो चीज़ नहीं आई यार, कैसी वो बड़ी इलायची छोटी इलायची का कोई फ्लेवर खास नहीं आया। और बताता हूँ, और क्या ही बताऊँ मैं आपको यार।
मुझे तो हंसी आ रही है। बल्कि आओ जी आओ। होता क्या है जब आप मसाले ऐड करते हो जी चिकन वगैरह में, ग्रेवी में, उसमें ऑयल भी होता है, तो ऑयल के साथ पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, समझे मेरी बात, तो एक एरोमा देता है, फ्लेवर देता है सब्जी को, चिकन को। बट ये वो काम नहीं कर पा रहा है। मुद्दा ये है कि जो अपना चिकन का पीस है, पीस ओके गया तुम लैक पीस, तू इज्जत से लैंड कर तू मेरे प्लेट में। आ आ भैया थोड़ा एक्स्ट्रा गल भी गया हुआ है। इस पे डालते हैं जी ये ग्रेवी। अब देखते हैं कि चिकन का टेस्ट कैसा है। बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ मैं आपको। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ, सच्चाई से कहता हूँ कि भाई वाकई में इतना बुरा नहीं है। बल्कि जो बंदा हेल्थ कॉन्शियस है वो इस रेसिपी को आजमा सकता है यार। चिकन तो फैबुलस है, चिकन का फ्लेवर जो है वो अच्छा है, वो नॉट बैड एट ऑल। और अंग्रेजी भी बोल दी मैंने। तो ये है कि जो मसाले ना यार, वो ना अजीब सा एक खिंचाव सा जबान पे आ रहा है, समझे मेरी बात को, किस तरह का आ रहा है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। समझाना मुश्किल है, बट हाँ ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि यार कि आप इसे आजमा सकते हो, खा सकते हो, और मुझे लगता है कि आप इन्जॉय भी करोगे। इस पर आप अलग अलग फॉर्मूले भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने ऐसे बनाया ना तो आप भी कुछ अपना टॉप अप कर सकते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर। ये तो एक्सपेरिमेंट है ना सारा, ये भाई कैप कैप भाई लेग पीस तो हो गया, स्वादिष्ट है, अच्छा है, मज़ा आ गया। मैं पोटा भी लेके आया हूँ आज। अब पोटा देखते हैं ऑयल फ्री कैसा लगता है। ओ हाँ भाई पोटे, और निक्के जे पोट निक्का जे पोटा, हाँ ओ ये रहा देखो निक्का जे कमज़ोर जी। हाँ भाई अब देखना कि ये ऑयल फ्री पोटा कैसा लगता है, हेल्दी हेल्दी पोटा आज। हाँ पोटे निक्का जी, पोटा बहुत निक्का जी है, निक्का जी मतलब कि छोटा जी है। अच्छा पोटा बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है। वो पोटा भी हो गया जी, और लेग पीस भी हो गया, और ग्रेवी भी हो गई। अब ये ऑयल फ्री किंग के साथ क्या हल्का मचाएगा भाई, जाज भी आ गया। तो भाई लो दोस्तों, भाई किंग की एंट्री हो चुकी है आज। किंग बड़ा ही खूबसूरत और वेल मेंटेन लग रहा है, मतलब कि खिला खिला लग रहा है। देखो 1 2 3 एंड 4 भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई पूछ रहे थे कि भाई 1 2 3 4 ही क्यों, 5 6 7 8 9 क्यों नहीं। मैं कहा बस बस फोर पे अटकते रहो, बस आगे नहीं बढ़ो। टॉप फोर आ भाई, आ भाई, आ भाई। अब मुद्दा ये है कि किंग इसे किस तरह से पेश करेगा मेरे आगे। मतलब कि क्या केमिकल रिएक्शन होगी हैं। देखो ये सच्चाई है कि जो किंग है वो केमिकल रिएक्शन कर देता है यार, ये मान लो मेरी बात। बड़े बड़े चीज़ों को उसने अलग से रिएक्ट किया हुआ है। तो बातें बड़ी ज़्यादा करता हूँ मैं। आ भाई पहली बाइट बड़ा गर्म है। गर्म काफ़ी है, समझने में थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा एक और बाइट बनता है, बनता है। टेस्ट अच्छा आया, बट नमक कम लग रहा है यार। ऐसे खाया तो अच्छा नमक लगा, किंग के साथ खा रहा हूँ तो नमक कम लग रहा है। मैं थोड़ा नमक ऐड कर देता हूँ यार, फिर बताऊँगा विस्तार से आपको, ठीक है। तो भाई नमक मैंने मिला दिया, अब देखता हूँ टेस्ट कैसा आएगा। ये काली मिर्ची ना, ये मुझे बड़ी पसंद है यार। मतलब एकदम नॉर्मल चिकन करी महसूस हुई मेरे को यार,
जैसे कि नॉर्मल हम चिकन करी बनाते हैं ना नॉर्मल तरीके से, भाई वैसा ही टेस्ट आया। देखो नमक क्या चीज़ है, नमक में बड़ा पावर है यार। मतलब कि पहले टेस्ट इतना और नहीं आ रहा था, अब एकदम टेस्ट को उसने चेंज कर दिया। मतलब कि वाकई में किंग के साथ खाके ना यार, मसाले ना कुछ 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 ना कुछ जस्टिफाइड, हमें जस्टिफाइड क्या कर रहा हूँ, जस्टिस कर रहे हैं यार टेस्ट में। समझे मेरी बात को आप? और बनता है, और वाकई में दही ने भी अच्छा काम निभाया। दही वाकई में ना फ्लेवर दे ही देता है यार, ये मानो मेरी बात आप। भाई थाई पीस देखो क्या गला हुआ है, एकदम जूसी जूसी कर दिया सेट। ओ खीरा तो खाया ही नहीं यार, चलो खा लेते हैं। मज़ेदार है यार, अच्छा है, टेस्टी है। मैं शर्त यह कहता हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, और वाकई में जो बिना तेल के खाना चाहते हैं, जिन्हें तेल बिल्कुल पसंद नहीं है, या अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब ने मना कर दिया जी SGPT OPT GTTT कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ है, आप तेल बंद कर दो जी, ऐसा वैसा, भाई मान लो मेरी बात, अच्छी रेसिपी है, एक बार ट्राई करके देख लेना, और भाई को कमेंट करके ज़रूर बता देना। और लौंग आ गया, लौंग पूरे का पूरा ये लौंग ना ऐसा फ्लेवर अच्छा देता है, लेकिन अगर ये पूरा जवान में लगता है यार, जान दो लौंग को, जान दो। देखो मैंने इसमें किचन किंग मिलाया, आप चाहो तो चिकन मसाला मिला लो, उससे भी एकदम टेस्ट डिफरेंट आ सकता है ना। धनिया अनफॉर्चुनेटली आजकल मिल नहीं रहा बाजार से, देते ही नहीं है यार, पता नहीं क्या चक्कर है, कि नहीं VIP लोगों को देते होंगे ये धनिया वनिया। मैंने पैसे भी दिए, पैसे पै वो तो नहीं पड़ा, नहीं है साढ़े को, नहीं है हमारे पास, तो नहीं देते धनिया। तो धनिया के हरे पत्ते डाल दो पर, तो फ्लेवर में चार चांद और लग जाएंगे यार, ठीक है। और कसूरी मेथी तो है ही विरासती मसाला। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, अगर जा मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑयल फ्री चिकन करी पसंद आएगी, आप जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसा लगा, कैसा बना। दोस्तों फिर अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।